हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग वीडियो में। देखो, ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, एल्विस यादव, क्योंकि देखो मैं उसे बहुत दिन से फॉलो कर रहा था और कल ऐसा चीज हुआ बिग बॉस के शो में, सलमान खान ने उसे बहुत डांटा। और देखो क्लिप देख लो, हाँ अब ये आप ये क्लिप देख लो, उसके बाद में दिखा, मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपका बेटा यहाँ पर है, आप उनसे बात करें। एल्विश, दैट्स योर मॉम। एल्विश, एल्विश, मनीषा आप जा बैठो वहां पर, इरिटेट मत करो। एल्विश सुनो, लिसन एल्विश, उन्होंने नहीं देखा है, उनको काट के दिखाया गया है, समझे? देखा आपने किस तरह से बेचारा इमोशनल हो गया। देखो मैं इस बंदे को बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, इसकी जो लैंग्वेज है, इसका जो वे ऑफ टॉक है, बहुत क्यूट लगता है। और जो हरियाणा भाषा में बोलती ना कि हाँ अब बावड़ी पूजे, मुझे तो बोलने भी नहीं आता, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलता है, वो वही चीज़ उसका बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से लेकर अभी तक मैंने उसे, मतलब एक होता है उनका इमेज ऐसा बना हुआ, वो दबंग टाइप के हैं ये वो, लेकिन भाई साहब जब उसको कल रोते देखे ना, हमको इतना खराब लगा, ये क्या ही बोले हम। बाबू काम कर दीजिए कुकर। अरे कुकर बहुत अच्छा। बाबू दूध कौन चला रहा है? सूखी है बाबू। बाबू सूखी है दूध। कितनी बार बोला आपको कि गैस पे कुछ भी चढ़ा के आप प्लीज। तो भाभी हमारे डिस्टर्ब कर दी थोड़ा सा, उसके लिए खेद है हमें। लेकिन जो भी बोलो, कल बाबू को ही करना पड़ता है। बाबू दूध देख लो। बाबा अभी चढ़ा के थोड़ा बंद करने बोल रहा, तो चलिए बिग बॉस। कल उसको रोते देखे, जो चीज हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हालांकि उसने बोला गलत था, किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलना गलत ही है, लेकिन वो उस सिचुएशन ऐसा बन गया था ना कि उसको वो निकल गया, वो हमेशा उसी माहौल में रहा। क्या चाहते हो एल्विश भाई, गलत है या सही? नहीं सही है, मेरे लिए तो सही है, लेकिन जो वर्ड बोले ना लड़की के लिए वो गलत है, क्योंकि भाई उनका जो लैंग्वेज है ना। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिग बॉस मतलब बम्पी और बम्पी ज्यादा देखती है, तो हम और शेखर ज्यादा देखने लगे, और जब से एल्विश भाई को ब्लॉग मैंने बहुत देखा है, और जब से बिग बॉस पे गए तो एक अजीब फील आता है कि हाँ भाई यूट्यूबर गया है तो चलो सपोर्ट करेंगे हम लोग सब, कोई भी जाता अगर पसंद होता है तो सबको सपोर्ट करते हैं, पर एक थोड़ा सा ताना आता है जो कि मेरा है, पर्सनली मेरा है। अरे जो फील्ड में हम लोग रहते हैं ना, वो फील्ड इतने दिन से जब बिग बॉस में एल्विश भाई आए तब से ही मैं देख रहा हूँ, और उससे पहले पता नहीं मम्मी देख रही थी, बट मैं तो तब से ही देख रहा था, और कल मैंने भी वो देखा वो वाला पार्ट, तो वो ना ऐसे थोड़ा सा फूट फूट के ना वैसे रो रहा है। और सबसे तेज सलमान भैया जी हमारे, सलमान सर क्या मस्त ट्रिक अपनाए, माइंड गेम खेले कि भाई एल्विश को तो ऐसे शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बट तो उन्होंने माइंड गेम खेल के माता जी को प्रकट किया, भैया अब तो तुम ना हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तुम्हारी गलती। तो उनको बस सलमान भाई ने उनको ये फेस दिखाया था कि हाँ भाई यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन, कि आपके घर पे भी माँ है, एंड शी इज आल्सो डॉटर, एंड किसी की भी माँ बनेगी। लंबा चल गया। जो भी ये माँ बहन है, तो बेसिकली ये चीज है, तो बस उन्होंने इनडायरेक्टली वे में सीधा सलमान भाई एकदम ऐसे बोले समझा। तीखी चूरी होता है, तीखी चूरी इसको बोलता है भाई सलमान खान ने उनके साथ किया, लेकिन फिर भी ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा एल्विश भाई, जहां पे अगर बात आपकी आर्मी की आई थी, आपको नहीं पता आप बिग बॉस पे हो तो आप अभी आपका क्रेज इंस्टाग्राम पे कितना है, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब सलमान भाई ने आपको बोला था कि
अब 500 में अगर आपको बोलो आपको स्टैंड मतलब सारे लोग स्टैंड करेंगे उनका कॉन्फिडेंस चल गया तो सबसे अच्छे बुरा ही आपको उस टाइम पे ना बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि हाँ मेरे सारे अब बंदे बोलते हैं आपके लैंग्वेज में भाई लोग खड़े रहेंगे बिल्कुल खड़े रहेंगे 6 मिलियन तो खड़े रहेगा उनका अगर 11 मिलियन है तो 6 मिलियन तो खड़े रहेगा वो 500 हो 1000 वहाँ पे आपको क्योंकि हम लोग यूट्यूब में भी ब्लॉगिंग करता हूँ तो YouTube पे एक ही तो भरोसा होता है कि हाँ भाई अगर खड़ा हो गया तो ये नहीं सोचूंगा कि लोग सपोर्ट करेंगे इतने दिन से सपोर्ट किए तब वो 1-2 मिलियन में अगर मुझे 500 लोग भी सपोर्ट करेंगे तो मैं 500 लोग स्टेज पे बोलूंगा कि हाँ करेंगे हाँ बाद में रिटर्न कर देते हैं सब नहीं करते हैं ऐसा नहीं बहुत जन की उस टाइम पे मेरे को बस खराब लगा अलविश भाई कि आपको बोलना चाहिए था कि आपके फैंस बहुत तगड़े वाले हैं मैं देखा मैं भी खुद बन गया हूँ आपके अरे वो भी सोचा भाई साल में सलमान खान ने क्या ही बोले हम एक तरह से वो भी सोच लिया होगा लेकिन कॉन्फिडेंस सलमान है तो वो तो सिंपल क्वेश्चन पूछे कि अगर आप जिसके वजह से लोगों को उन सलमान भाई का सोचना था कि वो थ्रेड वगैरह देते रहते हैं जो भी है लेकिन उनका ये कहना था कि आप जैसे सपोज उनमें से 500 लोग क्या 500 रुपए दे के आपको फॉलो करके उनका यही मेन अगर मैं बुरा नहीं हूँ या गलत नहीं हूँ तो शायद यही टेंशन था तो उस टाइम अलविश भाई बोले पता नहीं पता क्या अभी आपके लिए आप जब बाहर जाओगे तो देखना इंस्टाग्राम में इंडिया में क्या चल रहा है इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है सिस्टम खाली सिस्टम ठीक है इंसान से गल्तियां होता है और सिचुएशन भी अगर बेबी का तो हमको बकवास लगता है सिस्टम पे एकदम बने रहने का और एल्विश भाई को सपोर्ट करो भाई भाई सपोर्ट बाकी तो एल्विश भाई जब शो खत्म होने के बाद ही बोलता है ऐसे बोलता है क्या तो बोला अभिषेक होता है अभिषेक उसको बोलता है कि अरे भाई टेंशन मत ले कम काम काम चिल कर भाई कैसे चिल करूं चिल तो हो ही नहीं पा रहा उस तरह का दबंग टाइप का बंदा सलमान भाई ने भी मतलब उनको सच्चाई बताया और ऑब्वियसली सलमान भाई का भी एक चीज बहुत पसंद आया सलमान सर का कि उन्होंने बोला कि आपके जो फॉलोअर्स है कहीं ना कहीं वहाँ मेरे भी तो फॉलोअर्स है भाई और भाई जान की फॉलोअर्स कहाँ नहीं है भाई कहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली जब अगर सलमान सर कुछ बोलते हैं तो बिग बॉस में भाई बिग बॉस एक तरह से सलमान खान ही चलाता है उन्हीं का फैन फॉलोइंग दिखता है ज्यादातर उसको लगता है कि फैन है ना उनकी हम बहुत पसंद करती है बस इतना और लास्ट एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि एलविश यादव को डांट लगा रोया अपना मम्मी से मिल बात किया थोड़ा इमोशनल हो गया एट द एंड खुशी था उसका शक्ल पे दिखा मैं आपको ये क्लिप दिखा रहा हूँ आप देखो और भाई एक लास्ट जल्दे जल्दे एलविश भाई सिस्टम पे भरोसा रखें आपने सिस्टम बनाया है तो बाकी जो तार फार जो कीबोर्ड तीबोर्ड है और अंदर के सॉफ्टवेयर है सब आपको ही सपोर्ट करेंगे और किसी सिस्टम के पास नहीं जाएंगे